दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कुड ट्वीक क्राइटेरिया। दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि ओपन स्कूलिंग के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव लाने जा रही है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिए। करेंटली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द कोर्सेस इज 40% इन क्लास 12th एज अपोज टू 33% पास मार्क्स, विच मीन्स सेवरल स्टूडेंट्स डोंट मेक द कट ऑफ। मतलब बात यह है कि पहले 2018 तक दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो सिस्टम था, जो बेसिकली बीए और बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिस पे एडमिशन देता था, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ये थी कि आपके क्लास 12th में 40% मार्क्स होने चाहिए थे। लेकिन इस बार कुछ अपोज हुआ है उसका, और ये कहा गया है कि चूंकि सीबीएसई या दूसरे बोर्ड का पासिंग मार्क्स मिनिमम 33% ही है, तो 40% जिन विद्यार्थियों के नहीं है वो रह जाते हैं, वो वंचित रह जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन लर्निंग जैसे कोर्सेस में बीए और बीकॉम के एडमिशन से। तो इसलिए कुछ बदलाव लाया जा सकता है, ये बिल्कुल आज की ही न्यूज़ है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूँ तो थोड़ा विस्तार से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल हैज़ आस्क्ड द वाइस चांसलर टू रिवाइज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन बीए बीकॉम प्रोग्राम्स इन द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स पासिंग क्लास 12th। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ एकेडमिक काउंसिल ने वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट किया है, उनसे सवाल किया है कि कृपया करके ये ओपन लर्निंग सिस्टम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके क्राइटेरिया में थोड़ा चेंज लाएं ताकि मैक्सिमम लोग इसमें अकोमोडेट हो सके, क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर उन स्टूडेंट्स को भी लिया जा सके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर जो 40% से कम मार्क्स स्कोर किए हैं। ओपन लर्निंग का सिस्टम ये होता है बेसिकली कि आपको रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं करना होता है, आप घर भी रह सकते हैं, आप मतलब दूसरे काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं, और फिर जब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ बीच में प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सिर्फ आपको डिपॉजिट करने होते हैं, जमा करने होते हैं पर्टिकुलर टीचर पर्टिकुलर प्रोफेसर के पास में, और बाकी चीज़ें आप साथ ही साथ कर सकते हैं, आपको रेगुलर क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है ओपन लर्निंग सिस्टम में। करेंटली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द कोर्सेज इज 40% इन क्लास 12th। तो अभी तक जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल था, रेगुलेशन था, वो 40% आपकी क्लास 12th में मार्क्स होते तभी आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वीक स्टूडेंट्स होते हैं जो 40% मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा है कि वो अब शायद कर सकते हैं अगर बदलाव लाया गया तो। 33% मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर कर दी जाए तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, एज अपोज टू 33% मार्क्स पास मार्क्स विच मीन्स द सेवरल स्टूडेंट्स डोंट मेक द कट ऑफ। तो ये एक बात लाई गई है, संज्ञान में लाया गया उनके वाइस चांसलर के, कि ऐसी बात है, इसको कृपया करके इस क्राइटेरिया में चेंज लाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं बेनिफिट होंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी खबर है, और कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही हर एक अपडेट्स काउंसलिंग के लिए आप महामना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करके रखें। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब, थैंक्स फॉर वॉचिंग यंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन।